हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज हॉलिडे है, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया है रजदाहा धाम का, तो आज चलते हैं। साथ में है भैया जो सामने खड़े हैं, तो अपने जीएस से चलेंगे। और काफ़ी दिन हो गए, बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए हैं हमने, तो आज चलते हैं और आपको भी इंजॉय कराते हैं। सरिया चलते हैं आज और रजदाहा धाम इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है और काफ़ी वहाँ पे सरकार ने बनाया है एक बहुत अच्छा पार्क का भी। तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं, लास्ट तक बने रहिए और मस्ती करते हैं फिर। हे गाइस, और अब हम लोग चल रहे हैं रजदाहा धाम। तो ये प्यारा सा लोकेशन आप देखिए, व्यूज़ कितने अच्छे व्यूज़ लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। और अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो ग्रीडी से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और ये सरिया राजदरबार मुख्य मार्ग में है। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, ऑन द वे हैं। तो मुझे बहुत ग्रीन ग्रीन दिखा तो मैं सोचा आपको भी दिखाऊं। और अगर रजदाहा की बात करें हम लोग, तो ये हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और राजधनवार बगोदर राजधनवार ये मुख्य मार्ग है, उसी पे पड़ता है ये। और राजधनवार से कह सकते हैं उसको कि 28 किलोमीटर की दूरी पे है रजदाहा। तो हम लोग चलते हैं, एंजॉय करेंगे वहाँ पे रास्ते में, और भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बस एक अपना बैनर नहीं लिया आज मैं, फिर भी वेल इज गुड, ऑल इज वेल। देखते हैं, एंजॉय करेंगे हम लोग वहाँ पे। जी, हम लोग आ गए हैं बागोडी मोड़। और बागोडी मोड़ से हम लोग गिरिडीह की ओर से आ रहे हैं भटकट्टा होते हुए। तो अभी हम लोग बागोडी मोड़ से राइट हो जाएंगे। बागोडी मोड़ से हम लोग और यहाँ से ज्यादा दूरी नहीं है, बस करीब ही है हम लोग। अभी हम लोग मेन रोड में आ गए हैं, ये मुख्य मार्ग है राजधनवार और बगोदर का। अब हम लोग आ गए हैं रजदाहा धाम के पास और ये मेन रोड है। मेन रोड से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे और ये रजदाहा धाम प्रवेश द्वार नावाडी सरिया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कितना दूरी है यहाँ से। नेचर पार्क, तो इसका भी इंजॉय करेंगे हम लोग। 10 रुपये प्रति व्यक्ति है चार्जेस। अभी हम लोग उधर से घूम के आते हैं, तब तक हम लोग उधर से भी घूम के आ जाएंगे अभी, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे। मैं हूँ अभी रजदाहा धाम में और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ साथ में, जो साथ में वीडियो ले रहे हैं। उनकी भी इच्छाएं थी गाड़ी के साथ सारे लोगों को फोटो खिंचाने की,
तो ये भाई लोग हैं, क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है चैनल मेरा? सारे भाई लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अब आप भी एंजॉय कीजिए। और ये लोग भी वीडियो में हैं साथ में, एक दो दिन में ये वीडियो आ जाएगा, कल या परसों तक, ठीक है। मैं हूँ अभी रजदहा धाम, रजदहा नेचर पार्क में, और मैंने टिकट भी ले ली। रजदहा धाम में मैं इन कर गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा ये लोकेशन है, सब तरफ का बनाया गया है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। एक तरफ प्रशासनिक भवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस का है और काफी कलाकृतियां हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आई लव रजदहा नेचर पार्क काफी बोर्ड लगा हुआ है। यह है मेन एंट्रेंस, काफी कुछ बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। और ये वॉल में बहुत सारे डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, गांधी जी, बाबा देवघर, सुभाष चंद्र बोस और अपने संविधान विधाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी है।
पूरा पूरा ले लिया। अब बाहर चलते हैं, भैया बाहर खड़े हैं। बिरसा मुंडा जी का एक बहुत अच्छा सा फोटो यहाँ लगा हुआ, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ का मुख्य मंदिर रजदा धाम शिव मंदिर, और इधर सूर्य भगवान का मंदिर बना हुआ है, और ये है हमारे मौनी बाबा का, संत मौनी बाबा का समाधि स्थल। अभी साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि फूल वगैरह चेंज करते हैं डेली, इसलिए। बहुत अच्छा है, काफी मन मोह लेने वाली जगह है। और ये हमारे नंदी बाबा, जय हो, कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे हमारे भोले बाबा हैं अंदर।
सब्सक्राइबर हैं सबको उन्नति दें, तरक्की करें। हम लोगों ने मंदिर का ड्रोन शॉट लिया, पार्क का नहीं लिया क्योंकि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा खुजली हो रही थी, बोला उन्होंने कि नहीं दूंगा करने के लिए। We began to feel the fire. We rise like बहुत मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से सब्सक्राइब कराएं और अपना प्यार सपोर्ट के तौर पर मुझे दें ताकि मैं कुछ अच्छा कर पाऊं और आप लोगों को इंटरटेन कर सकूं। थैंक्स, आप लोगों ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, देते रहें और लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।